एक तरफ प्रदेश सरकार शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए तरह तरह की योजना चलाकर छात्रों को विद्यालय में जाने के लिए तरह तरह के उपाय करती नजर आ रही है, वहीं शिक्षकों को भी कड़े आदेश दिए जा रहे हैं कि शिक्षा के अलावा छात्रों से विद्यालय में कोई भी निजी कार्य नहीं करवाया जाएगा। बावजूद इसके सरकार के आदेशों के स्कूल प्रशासन धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इसका जीता जागता सबूत उस समय देखने को मिला जब विकास कुंड कुरावली के एक विद्यालय में नोनीहाल मासूम छात्र छात्राएं विद्यालय के प्रांगण में झाड़ू लगाते हुए मिले हैं। आखिर ये अध्यापक कब सुधरेंगे? क्या इन पर सरकार का कोई भी खौफ नहीं है? पूरा मामला जनपद मैनपुरी के विकास खंड कुरावली क्षेत्र के ग्राम नगला खुमानी का है। इस गांव में स्थित प्राइमरी पाठशाला की अगर बात करें तो यहां पर आज स्कूल में वो मासूम जिन पर देश की जिम्मेदारी है और हमारे आने वाले कल का भविष्य, उसी भविष्य के साथ इन मासूम बच्चों को पढ़ाने के लिए आने वाले शिक्षक उनको ज्ञान का पाठ ना पढ़ाकर उनसे स्कूल में झाड़ू लगवाने का काम कराते हैं। वहीं मासूम बच्चों से स्कूल का कूड़ा भी उठवाया जाता है। बच्चों ने बताया कि वो हर दिन ये काम करते हैं, तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि ये मासूम बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं या मजदूरी का काम सीखने? अब इस खबर के सामने आने के बाद क्या स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या नहीं, या सिर्फ इसमें भी खाना पूर्ति कर उनको छोड़ दिया जाएगा? इस संबंध में जब हमने बीएसए मैनपुरी विजय कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जांच कर शिक्षक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम आपका? गजेंद्र। कहाँ की रहने वाली हो? रामपुरा। रामपुरा, अच्छा। मैं आपके सर जी आए नहीं अभी, कितने बजे आते हैं? 9 बजे। तो आप ये झाड़ू लगा रहे हैं, क्या सर जी ने कहा है कि आप झाड़ू लगाएं? ना। फिर आप क्यों लगा रहे हैं? सफाई वाले आते ही नहीं। आते नहीं है तो झाड़ू आप ही लगाते हो? रोजाना का नियम है। पानी में बच्चों से झाड़ू लगाई जा रही थी, कूड़ा भी उठाया जा रहा था, इस मामले में आपको क्या जानकारी? अभी मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली है और मैंने वो वीडियो अभी देखा भी। एक बच्चा झाड़ू लगा रहा है वहाँ पे नगला खुमानी में, वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी से स्पष्टीकरण लिया जाएगा और प्रधानाचार्य से भी स्पष्टीकरण लेकर जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।